बीड़ी वाले सैयद पीर दी दरगाह ते गद्दी नशीन हाजी बाबा दिलशाद अहमद ने रमजान महीने दे सतारवें रोजे मौके रोजा अफतारी दा आयोजन किया, जिस विच साबका चेयरमैन अते नगर कौंसलर गुलशन राय बॉबी विशेष रूप विच शमूलियत की। इस मौके वड्डी गिनती च मुस्लिम भाईचारे ने शमूलियत की। सब ने पहला खजूर अते फिर फल खा के रोजा खोलिया। बॉबी ने हाजी बाबा नू खुआ के रोजा खुलवाया अते कहा, साडा भारत देश किन्ना महान है ए दसन दी लोड़ नहीं पैंदी, क्योंकि भारत विच ही सब धर्मां दे लोक जिथे अपने धर्म मुताबिक त्योहार मनाउंदे हन उथे दूजे धर्म दे लोक भी शरीक हुंदे हन। हाजी बाबा ने दस्या कि कुरान अनुसार रमजान महीने दा वड्डा महत्व है। इस महीने इकट्ठे बैठ के भोजन कीता जांदा है अते एक दूजे नू खजूर अते फल खवा के दान भी कीता जांदा है। मुहम्मद साहिब फरमांदे हन, इस मौके कीते दान दा 70 गुणा सवाब मिलदा है। इस मौके हाजी बाबा वलोन गुलशन बॉबी नू शाल पेंट कीती गई। हमारे यहाँ मौजूदा रूही अख्तार था, आज हमारे चेयरमैन साहब जो कि एम सी फौजी साहब बहुत ही ऊंचे समाज सेवी भी हैं और हमारे यही में माशाल्लाह इनका बहुत नाम भी है। और ये हमेशा पहले मिलने की बात कर रहे हैं आज, और हमेशा इन्होंने दुखियों का जो भी है गरीब गुरु जितने भी लोग हैं कोई भी आदमी उनके पास सुबह भी आए शाम में भी आए तो ये हर टाइम इनके एरिए का हो या वहां हो, ये बहुत कम लोगों ने वादा ले रहे हैं कि हमारे श्री फतेह साहब की शान और आज है एम सी फौजी साहब जो कि बहुत ही निहायत ही अच्छे इंसान है और हमारे अल्लाह से इनके लिए दुआएं कर रहे हैं, सेहत का फरमाए और इनको आने वाले दिनों में एम एल ए मंत्री बनाए। तो मैं हाजिया इंसाद फतेह साहब से आज सत्रवा होगा था रोजा एक अशरा हुआ दूसरा अशरा तीसरा अशरा आ रहा है। इस रमजान शरीफ के अल्लाह ने बड़ी खूबी अल्लाह ने दी है कि एक अगर अल्लाह के नाम पर खर्च करो तो 70 गुना आपको पुण्य मिलता है सवाब मिलता है। तो रोजा अफ्तार कराना बहुत बड़ा सवाल है और अगर एक हदीस से भी खुलवाया है किसी का रोजा तो उसको भी इतना ही सवाब मिलता है। तो बल्कि हम कभी कभी सोचते हैं कि ये दाल के साथ अगर बिना रोजे के आदमी भी बैठ जाता है तो उसको भी इतना ही पुण्य मिलता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं एक दूसरे का साथ देते हैं और हमारे हिंदुस्तान में क्या है यही वजह है कि हम सब धर्मों के साथ एक दूसरे का साथ भी देते हैं और एक दूसरे के दुख सुख में भी खड़े होते हैं। तो रमजान शरीफ का मुबारक महीना है, ये बरकत वाला महीना है, अल्लाह ताला हम सब पर हमारे हिंदुस्तान के रहमत बरसाए और सबका अच्छा करे भला करे। मैं हाजिर विचार फतेहगढ़ साहब रमजान के इस शुभ अवसर पर रोजा अफ्तार के अवसर पर हाजी बाबा दिलशाद जी ने हमें यहाँ बुलाकर आज का जो रोजा सातवां रोजा था उसको रोजा अफ्तार के रूप में उन्होंने यहाँ पर बुलाया है, उनके बहुत आभारी हैं। और उस अल्लाह ताला के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि जिस मनोकामना से ये रोजे रखे जाते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो। ये जो रमजान का जो महीना है ये बरकत वाला और युक्त जयंती का सारे धर्मों के साथ जो है यही सिखाता है। जो हमारे हिंदुस्तान में जो है हर कम्युनिटी का जो आदमी रहता है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, किसी मजहब जो है कोई मजहब जो है आपस में डर रखना नहीं सिखाता है बल्कि आपस में मोहब्बत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और यही एक इसी हिंदुस्तान के अंदर एक खासियत है कि जिसके अंदर जिस तरह एक तारक और एक बातचीत के अंदर जो है तरह तरह का फूल होता है तो इसी तरह इस हिंदुस्तान के अंदर भी जो है हर धर्म का आदमी रहता है। तो ये जो पावर है ये सब भी हिंदुस्तान के हैं, वरना बाकी जो दूसरी कंट्री है तो उनके अंदर जो है कि कोई एक ही धर्म रहता है या दो धर्म रहते हैं लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर हर धर्म रहता है प्यार मोहब्बत के साथ रहता है।